हे गाइस, आप लोग वापस आ गए हो। बिजनेस टुडे हिंदी के टेक्नोलॉजी शो पे आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष तिवारी और आप सोच रहे होंगे मैं पिछले कुछ देर में इन ईयरबड्स को अपने कानों में डाल रहा था निकाल रहा था। आखिर मैं कर क्या रहा था, मैं बता दूं, मैं इन ईयरबड्स की ANC फीचर को चेक कर रहा था। ये है सिनाइजर मोमेंटम के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स, जिनका आज हम लोग अपने शो पे रिव्यू करने वाले हैं। गाइस, हम जब भी किसी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट की बात करते हैं तो सबसे पहली नजर जाती है उसके डिजाइन पे। अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो सिनाइजर ने इस ईयरबड के डिजाइन पे काफी काम किया, इसके लुक पे खासकर। अगर इसकी बॉडी को देखो तो इसके ऊपर फैब्रिक क्लोथिंग की गई है, जिसकी वजह से इसका लेआउट काफी विंटेज दिखने में लगता है और काफी प्रीमियम लुक भी दे रहा है। फ्लैगशिप तो है ही है, और साथ में अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो सिनाइजर तो वर्ल्ड वाइड उसके म्यूजिक में बहुत नाम कमाया है, तो ब्रांडिंग करना तो बनता है। अपना साइन दे रखा है, अंदर सिनाइजर लिखा हुआ है और बड्स के ऊपर भी सिनाइजर के साइन बने हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये बड़ा ब्रांड है तो अपनी ब्रांडिंग करेगा ही। प्लस इसमें जो चार्जिंग स्पॉट दी गई है वो फ्रंट में दी गई है, जो बहुत ईजी है। बहुत सारे ईयरबड्स होते हैं जो साइड में दे देते हैं, पीछे दे देते हैं, उनको ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है, ट्रिकी लगता है। इस मामले में मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्लस अगर वेट की बात करें तो वेट में थोड़ा 50-60 ग्राम के करीब है, भारी है लेकिन क्लासी दिखता है। तो ओवरऑल डिजाइन की बात करूं तो मैं इसको डिजाइन में फुल मार्क्स देता हूं। इन ईयरबड्स के आउटर सरफेस पे टच सेंसिटिव जेस्चर कंट्रोल्स हैं, जिनकी मदद से आप 1 टैप 2 टैप 3 टैप करके इसके फीचर्स को कंट्रोल कर सकते हो। तो आइए नजर डालते हैं इस ईयरबड के फीचर्स पे। ईयरबड्स को हम जब इसकी बॉडी से निकालने के बाद अपने कान में फिट करते हैं तो हमें 3 सेकंड तक इसको टच करके रखना होता है, ताकि ये अपने आप को पेयर कर सके एप्लीकेशन के साथ। जब ये अपने आप को एप्लीकेशन से पेयर कर लेता है तो इसके सारे फीचर्स हमको एप्लीकेशन की स्क्रीन पे दिखाई देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं देखूं तो कनेक्शन मैनेजमेंट आ रहा है, जिसमें ये मुझे दिखा रहा है कि ये मेरे आईफोन से कनेक्टेड है इस टाइम पे। इसमें इक्वलाइजर है, साउंड चेक है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, साउंड जोन्स हैं और टच को कंट्रोल करने की कस्टमाइजेशन भी दी रखी है। इक्वलाइजर की बात करें तो बेस को कंट्रोल कर सकते हो, मिड को कंट्रोल कर सकते हो, ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हो और अपने से नए प्रीसेट्स बना सकते हो। अगर आप रॉक सुनने के शौकीन हो, पॉप सुनने के शौकीन हो, हिप हॉप सुनने के शौकीन हो, तो अपने से अपना प्रीसेट बना के सेव कर सकते हो, जब मन चाहे तब अपने हिसाब से म्यूजिक सुन सकते हो। ईयरबड्स के लेफ्ट और राइट दोनों कंट्रोल पैनल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम लेफ्ट साइड वाले बड की बात करें तो सिंगल टैप पे ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन होता है, डबल टैप पे प्रीवियस ट्रैक पे जाती हो, 3 बार टैप करती हो तो नॉइस कैंसलेशन ऑन होता है या ऑफ हो जाता है, और अगर होल्ड पे रखते हो तो आपकी वॉल्यूम डाउन होती है। राइट बट की बात करें तो सिंगल टैप पे आप प्ले पॉज कर सकती हो, डबल टैप पे नेक्स्ट ट्रैक को प्ले कर सकती हो, 3 बार टैप करके वॉइस असिस्टेंट को कमांड दे सकती हो, और होल्ड टैप करके आप वॉल्यूम को अप कर सकते हो, और कॉन्स्टेंटली टैप करके आप वॉल्यूम को अप कर सकते हो। एक बार फुल चार्ज करने के बाद ईयरबड्स आपको 23 से 24 घंटे का बैटरी बैकअप देते हैं। फिर उसमें चाहो तो आप मूवी देखो, म्यूजिक सुनो या कोई मीटिंग करो या फोन पे बात। अगर हम इन ईयरबड्स की बात करते हैं तो अल्टीमेटली बात आती है साउंड क्वालिटी की, कि इनकी कीमत मार्केट में तकरीबन 22,000 रुपए है, और अगर आप 22,000 रुपए इन्वेस्ट करने जाओगे किसी ईयरबड पे तो आप एक्सपेक्ट करोगे ही करोगे कि आपको साउंड क्वालिटी प्रीमियम मिले। दोस्तों, इन बर्ड्स में 7 नैनोमीटर डाइवर्स साउंड प्रोड्यूस होता है, जो काफी बैलेंस्ड है। मिड ट्रेबल बेस अपनी फ्रीक्वेंसी में बैलेंस परफॉर्म करते हैं। इन बर्ड्स पे कोई भी इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग सुनते समय आपको ऐसा कहीं भी फील नहीं होगा कि आपको फ्रीक्वेंसी कंट्रोल करने की जरूरत है। हालांकि अगर आपको अपने मन मुताबिक साउंड कंट्रोल करना है तो भी आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे। आपको ऑप्शन मिलेगा रॉक, पॉप, डांस, हिप हॉप एटसेट्रा। गाइस, इन बर्ड्स की माइक क्वालिटी भी काफी प्रीमियम है। अगर आप किसी से फोन पे बात करोगे तो आसपास के एम्बियंस को माइक अल्टीमेटली मास्क करके आगे भेजता है, तो आपकी आवाज जो दूसरी तरफ सुनाई देगी वो बहुत ही क्लीन सूदिंग आवाज सुनाई देगी। अब आते हैं हम लोग इस ईयरबड के वर्डिक्ट पे। अगर मार्केट में देखें तो उसकी कीमत तकरीबन 22,000 रुपए है, और 22,000 में अगर मैं डिजाइन की बात करूँ तो फुल मार्क्स। अगर मैं साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो सिनाइजर को साउंड में पछाड़ना बहुत मुश्किल है। फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन सबसे बेस्ट फीचर है इसका ANC। अगर आप म्यूजिक लवर हो, आप इन ईयरबड्स को अपने कान में डालो, अपना गाना मन मुताबिक प्ले करो और खो जाओ गाने में। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है आपको पता भी नहीं चलेगा, इस कदर नॉइस को ये कैंसिल करता है। दोस्तों, ये ईयरबड आपको सिनाइजर सिग्नेचर साउंड के साथ मिलता है, अडेप्टिव नॉइस कैंसिलेशन भी है, हाई क्वालिटी वॉइस पिकअप है, वायरलेस चार्जिंग है और IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंट रेटिंग भी है। गाइस, तो ये था बिजनेस टुडे हिंदी का रिव्यू सिनाइजर मोमेंटम 3 ईयरबड्स को लेके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में हम ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज अपडेट्स, रिव्यूज, अनबॉक्सिंग आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।